चंदौली जनपद में नगर पंचायत के चेयरमैन पद के लिए AIMIM पार्टी से संजय सिंह ने नामांकन किया। नामांकन के दौरान संजय सिंह ने कहा कि नगर के विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं उन्होंने भाजपा पर जमकर करारा प्रहार किया। स्थानीय सांसद व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे पर निशाना साधते हुए बताया कि ये 10 साल से चंदौली में एक ट्रेन भी नहीं रुकवा पाए तो क्या विकास करेंगे। देखिए हमारे संवाददाता चंदन सिंह की रिपोर्ट। क्या बताएं संजय सिंह, आज आपने नामांकन किया है क्या? मैं आज MIM से नामांकन किया हूँ, SSG की पार्टी से, चंदौली सदर से। चुनाव में क्या मुद्दे है? चुनाव है कि हम इनके पार्टी से लड़ रहे हैं। सभी लोग 70-80 साल से मुसलमानों का वोट लेते हैं, लेकिन इनका वोट लेकर तो छोड़ देते हैं, कोई इनको काम नहीं देता है, केवल प्रयोग लोग करते हैं। इसलिए हम लड़ रहे हैं, जीतने के बाद अधिक से अधिक जितना भी काम आएगा इनको हम दिलवाएंगे। इनके भी गरीबी है, इनका गरीबी हम दूर करेंगे। चुनाव में और भी कई बड़ी पार्टियां, कैसे चुनौती देंगे आप? पार्टी है ये BJP है, तो BJP को हम लोग पहले ठाकुर अमर वोट देते थे, लेकिन ये जीत कर केवल दलितों के करती है, खिचड़ी खाने जाते। एक ट्रेन नहीं, यहाँ के सांसद हैं, जो मंत्री हैं, भावी मंत्री हैं, ये भारी उद्योग मंत्री हैं, एक ट्रेन नहीं 10 साल में रुकवा पाए। ये किस रूप से कौन मुँह लेकर आएंगे चंदौली में वोट मांग रहे हैं? यहाँ की जनता इनको खोज रही है, अब कोई मुद्दा इनको नहीं है। ये यहाँ चंदौली में इनको खोज रही है। इस बार राजपूत ब्राह्मण मुसलमान सब मिलकर वोट करेंगे, MIM जीतेगी, इसके बाद चंदौली का विकास हम लोग करेंगे। ये बाहरी नेताओं को हम लोग देख लिए,